लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले बंगाल में चुनावी लड़ाई जारी है। राजनीतिक हिंसा बढ़ते देख चुनाव आयोग ने बंगाल में प्रचार का समय कम कर दिया है, तो वहीं ममता बनर्जी के करीबी अफसरों पर भी गाज गिरी है। अफसरों पर गाज गिरने के बाद ममता बनर्जी भड़क गई और चुनाव आयोग को खूब खड़ी खोटी सुनाई। दरअसल जिन अधिकारियों को हटाया गया या फिर शिफ्ट किया गया है, उनमें ममता बनर्जी के खास अफसर भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने बंगाल के प्रधान सचिव अत्री भट्टाचार्य को पद से हटाया। इसके साथ ही सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार को भी उनके पद से हटाया गया है। ये वही राजीव कुमार है जिनको लेकर बीते दिनों ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी। सीआईडी के एडीजी बनने से पहले वह कोलकाता पुलिस के कमिश्नर थे और उनके घर सीबीआई ने छापा मार दिया था। इसी के खिलाफ ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचने और अदालत के आदेश के बाद मामला थोड़ा सुलझा और राजीव कुमार को कमिश्नर पद से हटाया गया, जिसके बाद उनकी नियुक्ति सीआईडी में की गई थी। अब एक बार फिर चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को सीआईडी पद से हटा दिया है और वापस उन्हें गृह मंत्रालय भेज दिया है, यानी अब वह केंद्र सरकार के अधीन काम करेंगे। इसके अलावा जिन गृह प्रधान सचिव अत्री भट्टाचार्य को छुट्टी पर भेजा गया है, वो भी बंगाल सरकार में बड़ी हैसियत रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि राज्य की कानून व्यवस्था का पूरा जिम्मा इन्हीं के ऊपर है और पूरे चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के लिए अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन मतदान से पहले बंगाल चुनावी अखाड़ा बन गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में बवाल के बाद ममता बनर्जी ने उन पर ही हिंसा का आरोप लगा दिया। मामला बढ़ता देख चुनाव आयोग एक्शन में आया और उसने प्रचार का समय कम कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि महाभारत का युद्ध दोबारा बंगाल में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएचबीसी न्यूज़।